लॉकडाउन 4 आते आते शर्तों के साथ उद्योग धंधों को खोल दिया गया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी राहत मिल रही है। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों, किसानों और छात्रों पर पड़ी है। लॉकडाउन ने प्याज की खेती करने वाले किसानों को रुला दिया है। प्याज की गिरती कीमतों के कारण बिहार में प्याज की खेती करने वाले बेहद परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से बाजार में प्याज की मांग बहुत कम है। किसानों का कहना है कि प्याज की खपत में 50% की कमी आई है। हताशा में किसानों ने प्याज को खेतों में ही छोड़ दिया है। नालंदा के किसानों ने खेतों में ही प्याज को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि प्याज की कीमत से मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दी जा सकती है। प्याज की स्थिति बहुत दब है, बहुत खराब है। वर्षा पड़ा है, ओला पड़ा है, तो देखिए सब सड़क बिगाड़ रहा है और ऊपर से पूछने वाला भी कोई नहीं है। 3-4 रुपये भी कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, क्या करे? लागत क्या लगा हुआ? लागत तो 10 रुपये से ऊपर लगा है। बिल्कुल हाँ, 3-4 रुपये कोई नहीं ले रहा है। क्या करें? आधा देखिए उधर बिगाड़ रहा है, उधर बिगा हुआ है, वाकई इसमें भी अभी बिगावे करेगा। सड़क फेंका, हाँ सड़क फेंका रहा है, ओला पड़ने से बिगाड़ रहा है, सड़ गया है अंदर अंदर। पूछने आया कि प्याज का इतना लागत लगा, कुछ कौन पूछने? कोई नहीं पूछने वाला, कौन है? कोई नहीं। जब महंगा होता है तब लोग सब कहते हैं कि इतना महंगा प्याज हो गया, इतना महंगा, और कितना उजाने में कितना परेशानी है, कितना झेलना पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं। वहीं सिर्फ नालंदा में ही नहीं बल्कि गया के किसान भी इस प्याज की मार को झेल रहे हैं, जो आज प्याज के अच्छे दाम नहीं मिलने से परेशान है। एक और किसान ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। पेड़ भी आप प्याज लगाए थे, उसमें बहुत सा लागत लग चुका है। हाँ। समूचे आधा तो खेत में बिगा गया, और यहाँ 40 पेड़ जो है से भी काट काट के बिग रहे हैं। देखने का चीज है, आप देख सकते हैं। काफी परेशानी है। पूंजी आप लगाए हैं, लौट रहे हैं? पूंजी कहाँ से लौटे की चीज है? नहीं लौट रहा। प्याज की गिरती कीमतों को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, शादियां, पार्टियां सब बंद हैं, जिसके कारण बाजार में प्याज की मांग कम है। आशा करते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, दाम कम है और मूल वजह है डिमांड कम है, प्रोडक्शन जो हमारा हो गया है, डिमांड कम होने के कारण मतलब बाजार में पासा है, कम है जाकर देश में जब प्याज के भाव ऊंचे होते हैं तो पूरा देश प्याज की आंसू रोने लगता है, लेकिन आज प्याज के किसानों के आंसू को पोछने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन की वजह से प्याज के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, और रही सही कसर बंद रेस्तरा, रेस्टोरेंट और होटलों की वजह से भी प्याज की खपत काफी कम हो गई है। ऐसे में प्याज के किसानों की जो लागत है उसको भी निकालना मुश्किल लग रहा है। नालंदा से रंजीत कुमार सिंह, गया से बिमलेंदु के साथ सुजीत कुमार झा, बिहार तक।